गुज़श्ता रोज दो मासूम बच्चों को नहर में फेंकने का मामला काड़ा के इलाके रहमान कॉलोनी के मदरसा में ज़ेर तालीम दो कम सिंह बच्चों को कत्ल करने की नज़र से नहर में फेंक दिए गए। रेस्क्यू 1122 ने सर्च ऑपरेशन के रोज दूसरे रोज भी बच्चों की नाशों को नहर लोअर दोआब सेरबा निकाल दिया। मकतूल बच्चों के वालदैन गम से रिहा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद नहर पर पहुँच गई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस आर पी ओ साहिबाल से तफसीलात तलब कर ले गई। उकाड़ा के इलाके रहमान कॉलोनी ने गुज़श्ता रोज लर्जा खेज और अफसोसनाक वाक़ा रूनमा हुआ था, जिसमें मोहल्ला के दो आबाश नौजवानों ने मामूली तकरार पर हुसैन रजा के दो बेटों 11 साल ताहा और 5 साल अली अहमद को मदरसा से दीनी तालीम हासिल करके घर वापसी पर रास्ते से अगवा करके कत्ल करने की नीयत से नहर लोअर बारी दोआब में फेंक दिया था। पुलिस थाना बी डी ए ने वाकई की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया था, जहां मुलजमान ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। वाकई पर डीपी फैसल शहजाद और एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल्ला लक ने गुफ्तगू करते हुए इन जालिम मुलजमानों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बच्चों की नाशों की तलाश करने का अमल रेस्क्यू की जानिब से आज दूसरे रोज भी जारी था, जिस पर दौरान ऑपरेशन दोनों बच्चों की नाशें मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने बच्चों के कत्ल का नोटिस देते हुए आरपीओ साहिबाल से तफसीलात तलब की हैं और मुलजमान को करार वाक़ी सजा देने के अहकाम जारी किए।